हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। ये हमारे उड़दी का दाल है, जो उड़द का दाल बोला जाता है। इसको मैं धो धा के साफ कर ली हूँ। इसको अब मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी, इसका कचौड़ी बनाऊँगी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कचौड़ी बनाओ, तो मैं इसको रात भर भिगोई थी, इस दाल को रात भर भिगोई थी, फिर इसको धो के साफ कर ली हूँ मैं। देखिए अच्छा से साफ हो गया है हमारी उड़दी का दाल, एकदम पूरा फूल गया है। तो इसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी जार में। और इसमें मिलाने के लिए मैंने ये अपना हरा मिर्चा, जीरा, लहसुन ली हूँ और हींग भी ले लूँगी। और इस मिक्सर को इसको पीस कर इसमें मिला लूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे अपनी कचौड़ी बना रही हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैंने मिक्सी जार में ले ली हूँ, अब इसको मैं फटाफट पीस लेती हूँ। अपनी उड़दी दाल पीस ली हूँ, अब चल रही हूँ अपना लहसुन मिर्चा जीरा पीसने। यहाँ पे मैंने पीस ली हूँ अपना लहसुन मिर्चा जीरा, अब इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अब इसको कढ़ाई में इसको थोड़ा से भून लूँगी, इसका जो मॉइस्चराइज है ख़त्म हो जाएगा। अब बनाने में आसानी हो जाएगा। इसको सब मिला देती हूँ। इसको भून दूंगी ना तो बहुत अच्छा आएगा इसका टेस्ट। इसको हम फटाफट भून लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक गया है, इसमें मैं फ्राई कर लेती हूँ अपने बेसन की सामग्री कचौड़ी की। देखिए मेरा बढ़िया से हो गया है। अब इसको उतार देती हूँ गैस पर से ठंडा होने के लिए। अब ये मेरा सामग्री कचौड़ी का ठंडा हो गया। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल दूँगी। अब इसमें सारे मिला दूँगी। अब ऐसे ऐसे सारा अपना कचौड़ी का भर लूँगी। यहाँ एक एक करके सब अपना कचौड़ी फ्राई कर लूँगी। देखिए हमारा कचौड़ी खूब बढ़िया से फूल गया है। चना के दाल का भी कचौड़ी बनता है। आज मैं उड़दी के दाल का कचौड़ी बनाई हूँ। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी उड़दी के दाल का कचौड़ी बनाओ, और हमें भी चना दाल के कचौड़ी से ज़्यादा अच्छा मुझे ये हमारे उड़दी के दाल का कचौड़ी अच्छी लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को चना का कचौड़ी अच्छा लगता है या उड़दी के दाल का कचौड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो ये जो है
उर्दी का दाल, इसका मुझे कचौड़ी बहुत ही अच्छा बहुत टेस्टी लगता है और मैं बनाई भी हूँ बहुत तीखा चटपटा, खाने में एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घरों में आप लोगों की मम्मी या आप लोग खुद कैसे बनाती हैं कचौड़ियाँ। और मैं ऐसे ऐसे करके सारी एक एक करके अपनी कचौड़ियाँ यहाँ देखिए मैं सारी बेल के 5-6 रख ली हूँ और फिर इसको फटाफट बना लेती हूँ। एकदम कचौड़ी मेरा परफेक्ट बढ़िया फूल जा रही है। देखिए मेरी सब कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया से फूल जा रही है। एकदम मस्त से मेरा फूल जा रहा है कचौड़ी देखिए। ये हमारा सूरन की सब्जी है और इसमें 2 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। कचौड़ी से सूरन की सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए मसाले भून लूँगी। यहाँ पर देखिए सब मेरा कचौड़ी बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। अब पूरा एकदम फूला हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं फूला हुआ है, सब फूला हुआ है देखिए। सब मेरी कचौड़ी फूल के फूला हुआ है देखिए। देखिए दोस्तों हमारी कचौड़ी और सूरन की सब्जी अब 12 बन के तैयार हो गया है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये हमारा 12 है उर्दी की दाल का, इसको खाने में बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है, इसको हम चाय से भी खाते हैं और बना के रखी हूँ इसको मैं चाय से खाने के लिए। बहुत कुरकुरा बहुत अच्छा लगता है देखिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगती है। बाय बाय दोस्तों।